पीयू प्रीशा को विद्युत की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराती है। चाचा जी आरमान विद्युत को जेल से भगाने का प्लान करते हैं और चाचा जी जब पीयू की आवाज में विद्युत को कॉल पर कहते हैं कि विद्युत को पीयू के लिए भागना होगा, विद्युत पुलिस फैन से भाग जाता है और जब विद्युत भागते भागते ट्रेन के सामने आ जाता है विद्युत की मौत हो जाती है। सीरियल में 3 महीने बाद प्रीशा आरमान की वाइफ दिखाई जाती है जिससे रुई नफरत करती है। प्रीशा रुई के लिए बर्थडे सरप्राइज देती है और रुई उसके फ्रेंड से कहती है कि उसकी मामा उसके साथ नहीं है। पीयू प्रीशा से कॉल पर कहती है कि उसे उसका प्यार मिल चुका है और जब पीयू उसे मिलाने प्रीशा के सामने लेकर आती है प्रीशा इमोशनल हो जाती है। अब क्या करेगी प्रीशा जब प्रीशा के सामने रुद्र आएगा। वैसे सीरियल यह चाहते में शारदा प्रीशा को कन्विंस करती है जब प्रीशा सुसाइड करने जाती है। शारदा प्रीशा को रुई और सारांश के लिए जीने के लिए कहती है। विद्युत को चाचा जी पीयू की आवाज में जेल से भागने के लिए कहती है और विद्युत पीयू की बात मानकर पुलिस वैन से भाग जाता है। विद्युत ट्रेन के सामने आकर ट्रेन से टकराता है और विद्युत की मौत हो जाती है। अब तो बस देखना तो ये होगा कि क्या होगा, क्या करेगा रुद्र जब रुद्र प्रीशा को आरमान के साथ देखेगा। क्या प्रीशा आरमान का सच शारदा को बताएगी? क्या होगा जब प्रीशा के सामने पीयू का फैन से आएगा? जानिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।